हेलो फ्रेंड स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल द क्रोशिया लवर पे देखिए फ्रेंड ये मैंने एक नया डोरमेट बनाई हूँ इसे आप आसन के रूप में भी काम कर सकते, ले सकते हैं तो ये देखिए ये छोटे छोटे टुकड़ों से बना हुआ है जो आपके पास पुराने कपड़े हैं या नहीं तो जो आप सूट बनवाते हैं और इसको जो किनारे उनारी बच जाता है उस कपड़े से भी ये बन जाता है बहुत ही आसान से और आपका वेस्ट सामान भी इसमें लग जाता है तो कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर देखिए आप और जरूर शेयर कीजिएगा और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट बिल्कुल कीजिएगा कि आपने इसे बनाया नहीं बनाया तो चलिए देखती हूँ कि मैंने इसे कैसे बनाया तो देखिए दोस्तों मैंने क्या किया है एक सर्कल काट लिया है ये सर्कल में यहाँ निशान मारी हूँ और यहाँ से इसको फोल्ड करके इसका कोलाई बनाती हूँ तो ये एक सर्कल बन गया है और इसमें मैं क्या करूँगी तो कुछ इस टाइप के कतरन है जो तीन बाई तीन का है या चार बाई चार का आपको जैसे सुविधा हो पुराने कपड़े नए कपड़े जो भी सूट वूट बनाते हैं आप और जो बच जाता है तो उससे ये इस तरह का मैंने निकाल दिया है कपड़ा और इससे मैं आसन या डोरमेट या कुछ भी ये बन सकता है तो इसको कैसे बनाएंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ देखिए उसको इस तरह से बनाएंगे और इसको मैं यहाँ डालूंगी इस तरह से और इस तरह से इस पर से मशीन लगा के इसके चारों कोने में चारों नहीं पूरा गोलाई में सेप दे देंगे तो चलिए इस तरह से देखिए मैंने ये पिनअप किया हुआ है इसी पिनअप से इसको इसके ऊपर मशीन चलाएंगे ये पूरा मशीन चलाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ देखिए फ्रेंड ये पहला रो हमारा इस तरह से जाएगा और दूसरा रो मैं यहाँ 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 इस तरह से बंदा चला जाएगा तो ये मैं पूरा आधा बना करके आपको दिखाऊंगी तो देखिए दोस्तों ये मैंने पूरा बना लिया है और ये सारे हमारे जो सूट बचता है वही कपड़े से छटाई वाले कपड़े से बना हुआ है सेम उसी तरह से सिलाई करते चले जाएंगे और ये इस तरह के छोटे 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 टुकड़े जैसा कि मैंने आपको बताई हूँ सेम उसी तरह बनाऊंगी तो आप भी बनाइए घर में जितने भी पुराने कपड़े हैं वो सबको फेंकिए नहीं और इससे बनाइए और जो ये छोटे छोटे टुकड़े हैं ना धागे के उसे आप काट लीजिए तो वीडियो कैसा लगा जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा तब तक हमारा ये वीडियो देखते रहिए धन्यवाद